गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं बैठी हूँ अपने बेडरूम में और सर्दी का टाइम है और चाहे स्वेटर पहनो या कुछ भी पहनो, बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा। रजाई के ऊपर बैठ के भी अच्छा लगता है, रजाई के अंदर तो अच्छा लगता ही है मतलब बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा, खाना बनाना है, बहुत सारे काम है। तो अभी मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रही थी, कुछ कमेंट्स का मैंने जवाब भी दिया है लेकिन वो मुझे लगा बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है तो मैं आप लोगों को भी यहाँ पर शेयर कर लेती हूँ। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप मुझे जहरा के एक स्कूल के बारे में बताओ कि वहां पर इंडियन स्कूल कैसे हैं और किस तरह का है सब कुछ। गाइस मैं सालमिया में रहती हूँ और जहरा मेरे से बहुत दूर है। अब आप कहोगे फरवानिया का बताओ, फाइल का बताओ, इट इज क्वाइट हार्ड। ठीक है, मैं वहां की लोकेशन पे जा जाके स्कूल सर्च करके नहीं बता सकती। तो इसके लिए जिस तरह से मैं सर्च करूंगी वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ। ज्यादातर लोगों को ये तरीका पता होगा लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप गूगल पर जाइए और गूगल पर आप टाइप कीजिए इंडियन स्कूल्स इन कुवैत, वहां पर आपकी पूरी लिस्ट आ जाएगी स्कूल्स इन कुवैत पे। मैंने पूरा वीडियो बनाया है, यहाँ पर लिंक है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वो आप देख सकते हैं। स्कूल फीस किस तरह की होती है, स्कूल का एनवायरमेंट कैसा है, टीचर्स कैसी हैं, सारी चीजें हैं, सारी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। तो जैसे ही आप गूगल करेंगे और इंडियन स्कूल इन कुवैत डालेंगे वहां पर, वैसे ही आपको लिस्ट मिल जाएगी और लिस्ट के साथ आपको लोकेशंस भी मिल जाएंगी, जो भी लोकेशन आप चाहते हैं। जैसे ही आपको आपकी लोकेशन मिलती है वैसे ही आप क्लिक कीजिए और वहां पर उस स्कूल की डिटेल्स मिल जाएंगी। वहां पर जैसे ही आपको फोन नंबर मिलता है यू कैन कॉल देम, आपको अच्छे से सारी चीजें वो बता देंगे। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रांसफर होकर आते हैं जाते हैं तो ये उनका जो है ना वो रेगुलर चीजें हैं, लोग आके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इट इज वेरी बेसिक फॉर देम। तो हिंदी, क्योंकि इंडियन स्कूल्स हैं तो हिंदी भी बहुत अच्छे से बोलते हैं ज्यादातर स्टाफ, तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो भी आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, इंग्लिश में हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो जाके फोन नंबर लीजिए और फोन से आप कोई भी इन्फो निकलवा सकते हैं। इनकेस आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो इट इज नॉट हार्ड, एक बार आप शिफ्ट हो जाइए पूरी फैमिली के साथ। आप कभी भी एक साथ शिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि फैमिली का वीजा आपके आने के बाद ही बनता है, फैमिली आपकी 2 महीने से पहले नहीं आ सकती। तो अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास पूरे 2 महीने आपको मिलेंगे कि आप आराम से सर्च कर सकते हैं। एक बार आप यहाँ पर आ जाते हैं, रहने लग जाते हैं तो आपके आसपास की लोकेशन आप देख सकते हैं कि ये मेरी फैमिली के लिए सही होगी या नहीं लोकेशन। अगर आपको वो सही लगती है तो आसपास आप देख सकते हैं कि स्कूल्स वगैरह यहाँ पर कौन कौन से हैं और आप जाकर बात कर सकते हैं, वो इजीली आपको एंटरटेन करेंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको हेजिटेशन हो, इंडियन स्कूल्स हैं तो आपको इंडियंस ही मिलेंगी, टीचर प्रिंसिपल स्टूडेंट ज्यादातर इंडियंस ही मिलेंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं इंडिविजुअली वहां जाकर पता करूँ थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इनकेस आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर मुझसे हो सका तो मैं वो भी कर दूंगी। तो चलो अभी मेरा टाइम हो गया है, मेरे पेट में दौड़ रहे हैं चूहे। आजकल मेरा जो है ना वो टाइम फिक्स हो गया है कि मुझे 10 से 11 के बीच में ही खाना है, मुझे 4 से 5 के बीच में ही खाना है। वो सारी डिटेल मैं बाद में बताऊंगी आपको, वो मेरी हेल्दी बॉडी के लिए सारी चीजें मैं कर रही हूँ, वन बाय वन मैं थोड़ा बहुत शेयर करती रहूंगी आपसे। और आज भी मैं कुछ हेल्दी फूड बनाने वाली हूँ, किचन में चलती हूँ और बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। और मैंने जो है आज सूप के लिए बॉइल करके रखी है वेजिटेबल्स, किस तरह से बॉइल की, कौन कौन सी, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी वीडियो में। लेकिन मुझसे एक डिमांड आई थी कि आप पालक सूप बनाओ, सिर्फ पालक का सूप मैं कम बनाती हूँ बट इट इज सो हेल्दी अगर आप बनाओगे, और मे बी मैं आगे बना के भी बता दूंगी आपको अगर आप चाहते हैं तो, मुझे आता है। लेकिन जो वेजिटेबल्स मैं ऐड करने वाली हूँ उसमें आप पालक भी ऐड कर सकते हैं, इट इज सो यमी जो सूप बनता है, मैं डेली बनाती हूँ एंड इट इज सो हेल्दी इन सो मेनी वेज। तो चलो सूप तो मैंने उबाल लिया था, जस्ट मुझे ब्लेंड करना है और बनाना है और फिर पीती हूँ, और उसके बाद मैं आज जो है वो बनाऊंगी। कुछ मैंने अलग सोचा है, मैंने सोचा मैं रोटी नहीं खाऊंगी आज। आज मैंने ना काफी सारे वेजिटेबल्स लाई थी मैं, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं ब्लू लेक फार्म गई थी तो वो इतनी कलरफुल है ना, वॉलपेपर वगैरह वो सारी चीजें डाल के ना मैं आज स्पेगेटी बनाने वाली हूँ। स्पेगेटी, इंडियन स्पेगेटी जिसको हम सेवैया बोलते हैं, जो बहुत हेल्दी होती है बहुत ज्यादा। सो गाइस मेरे कमेंट में किसी ने पूछा था कि हमें पालक का सूप बनाना बताओ, तो देखो मैं जो है वो मिक्स वेज सूप बनाती हूँ ज़्यादातर। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा टमाटो, बहुत बड़ा था ये, मैं ब्लू लेक फार्म से लेकर आई थी, एंड ये है कैरेट, अगर आप चाहें तो पूरी एक डाल सकते हैं बट मैंने आधी ली है,
और आधी मैंने बीटरूट ली है, यानी मैंने इतनी बीटरूट जो है वो छोड़ दी है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अब इसी में अगर आप चाहें तो पालक डाल सकते हैं, क्योंकि प्लेन पालक का सूप मुझे तो नहीं पसंद है। मैं पालक की सब्जी खा लेती हूँ, कोई भी जूस में अच्छा लगता है, लेकिन सूप में मुझे ऐड करके अच्छा लगता है, प्लेन नहीं। तो ये तीनों चीज़ें मैं इस कुकर में डालूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के इनको बॉयल कर लूंगी। बॉयल करते समय मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें। तो चलो इसे बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करते समय हमें बहुत ज्यादा सीटी नहीं लेनी है, एक या मैक्सिमम दो सीटी लेनी है, और उसके बाद हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, ये सारी वेजिटेबल्स जो है बॉयल हो गई हैं और ठंडी हो गई हैं, ये 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इस ब्लेंडर में इसे ब्लेंड कर लूंगी और उसके बाद दिखाती हूँ कि मैं क्या करूंगी। लेकिन ब्लेंड करने से पहले जो ये टमाटो हैं, टमाटो के हम छिलके निकाल देंगे इस तरह से। ब्लेंड होने के बाद मैं इस छलनी में इसको छान लूंगी। अब इसको मैं गैस पर थोड़ी देर पकाऊंगी और इसमें मैं बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं करूंगी। इसमें मैं ऐड करूंगी काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च से जो है वो थोड़ा सा तीखापन लगेगा और काली मिर्च डाइजेशन में भी आपको हेल्प करती है। तो अगर किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो काली मिर्च पाउडर और काला नमक दोनों मिक्स करो और उसे पानी से ले लो। आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह, गैस वगैरह, जितनी भी चीजें होती हैं पेट की, वो सारी दूर हो जाएंगी। उसके बाद मैं इसमें काला नमक डालूंगी। आई डोंट ऐड व्हाइट सॉल्ट, थोड़ा सा मैं काला नमक डालूंगी। बहुत ज्यादा ना डालें, क्योंकि उससे फिर ये बीटरूट का मीठापन जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद वैसे तो आप इसे प्लेन भी ले सकते हैं, प्लेन बहुत अच्छा लगता है ये। थोड़ा थोड़ा बीटरूट एंड गाजर की मिठास आएगी इसमें, टमाटो का जो है खट्टापन एंड मिठास आएगी। लेकिन आप चाहें तो इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे पनीर ऐड कर सकते हैं, कॉर्न से ऐड कर सकते हैं, मैगी ऐड कर सकते हैं। मैगी नूडल्स जो होते हैं वो थोड़े थोड़े पीसेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, मटर ऐड कर सकते हैं, छोटी छोटी गाजर कट करके डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास आज सिर्फ कॉर्न्स हैं, तो मैं इसमें कॉर्न्स ऐड कर दूंगी। तो अभी आप देख सकते हैं ये बन गया है। जस्ट मुझे थोड़ा सा ही गर्म करना था, क्योंकि सारी वेजिटेबल्स ऑलरेडी बॉयल थी। अब मैं इसे आराम से पीती हूँ और टीवी देखती हूँ। यह है मेरा सूप इस ग्लास में, एंड लुक्स यमी। ये मैं रेगुलर तौर पे बनाती रहती हूँ घर में, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि जब मैं बना रही हूँ। सो एंजॉय। सेवई, ये सेवई जो मैं इंडिया से लेकर आई थी। तो अगर आप नूडल्स वगैरह अवॉइड करना चाहते हैं तो इस तरह की सेवई ले सकते हैं, ये काफ़ी हेल्दी होती है। और इसमें मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली हैं, आप देख सकते हैं, गाजर है, प्याज है, ब्रोकली है। देन मैं बेल पेपर डालूंगी येलो एंड रेड का कलर। देन वन मिर्ची हाफ लूंगी, वन नहीं पीस। तो ये सारे वेजिटेबल्स डाल के मैं बना रही हूँ सेवई। सेवई की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स मुझे ज़्यादा ऐड करनी है और मसाले भी मैं थोड़े से ही डालूंगी। एडेड बेल पेपर, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर। तो जितने ज़्यादा कलर ऐड करो उतना खाने में मज़ा आता है, आंखों को तो अच्छा लगता ही है और पेट को और भी ज़्यादा। ये चीज ऐड कर दूंगी मैं, ये थोड़ी कम लेती हूँ। वैसे मुझे मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं कम लेती हूँ क्योंकि ये फ्रोजन है। मैंने इसमें ग्रीन चिली डाल दी है, ये रही ग्रीन चिली एंड दिस वन ग्रीन चिली। तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। हल्दी डालेंगे सबसे पहले, देन रेड चिली पाउडर, देन सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फिर जिसको मेरे कुकिंग वीडियोस अच्छे लगते हैं वो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट करके बताना और किस तरह की कुकिंग आप चाहते हैं, क्योंकि मेरी बहुत ही इजी कुकिंग रहती है। मुझे किचन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वाटर ऐड करूँगी, मैं इसमें सेवई ऐड कर दूंगी। ऐड कर दी है सेवई, मैंने अपने अकॉर्डिंग ऐड की है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। बेसिकली मैं सब्जियां खाना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मैंने सेवई का सहारा लिया है। तो इसमें थोड़ा सा और मैं पानी डालूंगी और उसके बाद हम इसे ढक देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे और हमारी सेवई जस्ट बनने वाली है। इट टुक मी अराउंड 5 मिनट्स ओनली, जस्ट चॉपिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है।
सो फ्रेंड्स ये हो गई है हमारी नमकीन सेवई रेडी एंड आप देख सकते हैं, देखकर कौन रुक सकता है, इट लुक्स सो यमी। जस्ट मैं खाती हूँ फटाफट से और मेरी सलाद भी मेरे साथ है। अगर सर्दी नहीं होती तो मैं छाछ जरूर लेती यानी बटर मिल्क, क्योंकि अभी सर्दी है तो वो मुझे ठंडा कर जाता है। तो चलो मैं इसे खाती हूँ फटाफट से। ये देखो मम्मी बाल खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मम्मी पापा तो ये खत्म नहीं आ जाएगा बेटा, इसको बंदूक को सीधा रखना, देख टपक रहा है इसमें से। तो गाइस खाना खा लिया और खाना खाती मुझे इतनी सर्दी लगी ना कि मैं दोबारा रजाई में आके बैठ गया। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप किस तरीके से एडिटिंग करते हो। कभी कभार मैं यूट्यूब की भी बातें कर लेती हूँ, आई नो काफी लोग यूट्यूबर नहीं है यहाँ पर, बट कभी कभी यार उन लोगों की भी सोचनी पड़ती है। तो प्रॉपर यूट्यूब पे वीडियो तो मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि इस तरह के और भी चैनल्स हैं जहाँ पर आप एडिटिंग सीख सकते हो। यूट्यूब के बहुत सारे हैं, यूट्यूब के नए अपडेट के आए हैं 2019 के, 2018 के बहुत सारे चैनल्स हैं इस तरह के जहाँ से मैंने भी देखा है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। फुल डिटेल वीडियोज आपको, फुल डिटेल इन्फो आपको वहां से मिल जाएगी। लेकिन हाँ मेरे से पूछा गया था कि आप एडिटिंग कैसे करते हो। मैं एडिटिंग अपने मोबाइल से ही करती हूँ। यस ये आंखों के लिए वैसे तो ज्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा मोबाइल लिया है। ये है आईफोन एक्सेस मैक्स जो मैंने रिसेंटली लिया है और मेरा जो सिविल आईडी है वो इसके पीछे ही मैं लगाती हूँ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर टाइम मेरे साथ होना चाहिए। मोबाइल रहेगा तो सिविल आईडी भी मेरे साथ रहेगा। चलो एडिटिंग के बारे में बताती हूँ कि ये है आई मूवी, अगर आपको दिख रहा हो तो। आई मूवी जो है वो एप्पल का ही सॉफ्टवेयर है तो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, या तो आपके पास मैकबुक हो, मैक जो लैपटॉप है वो मैकबुक का हो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास लैपटॉप वो नहीं है, मेरे पास दूसरा है लिनोवो का है, एचपी का है। आईफोन में ही मैं कर लेती हूँ ये एडिटिंग और शुरू से ही मैंने ये किया है एंड इट इज द इजीएस्ट एडिटिंग। मेरे पास और भी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है लैपटॉप में लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इजी ये लगती है क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर में मुझे नहीं आता, बहुत सारी चीजें आती हैं लेकिन मुझे एडिटिंग से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड मुझे कुछ भी नहीं आता था जब मैंने चैनल शुरू किया था। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को अपडेट किया और सारी चीजें सीखी हैं, चाहे यूट्यूब पे एडिटिंग करना, आजकल तो यूट्यूब पे भी एडिटिंग शुरू हो गई है। यूट्यूब पे पहले शुरू में थी यूट्यूब पे एडिटिंग, फिर बीच में इन लोगों ने हटा दी, अब जाके जो दोबारा अपडेट हुआ है यूट्यूब की सेटिंग में अपडेट हुआ है तो वहां पर भी एडिटिंग है। तो आपको कहीं भी कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, वहां पर ही आपको फिल्टर्स भी मिल जाएंगे, एडिटिंग भी कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। लेकिन मैं इस पे करती हूँ, आई मूवी है ये और आई मूवी पे मैं सारे ही डाल लेती हूँ वीडियोस, प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पर और इजिली एडिटिंग हो जाती है। इनकेस आपको ये भी सीखना है, वैसे तो इसके वीडियोस हैं, इनकेस आपको ये भी सीखना है कि आई मूवी में किस तरीके से करती हूँ एडिटिंग, तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगी। बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। थोड़ा सा जो लैपटॉप में यूज करते हैं ना आई मूवी, थोड़े बहुत चेंजेस उसमें हैं लेकिन जो मोबाइल का है ना वो सबसे ज्यादा इजी लगता है मुझे। कैमरे से मैं मोबाइल में ले लेती हूँ अपनी फाइल्स या मोबाइल से जो शूट करती हूँ। अगर आप लोगों के मोबाइल है आपके पास और आप मोबाइल से शूट करते हो तो इसी में शूट करो, इसी में एडिटिंग करो और इसी से आप अपलोड कर दो, तो बहुत ज्यादा इजी रहता है। तो चलो गाइस ये वाला व्लॉग मैं यहीं खत्म करती हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मैं अपनी एडिटिंग करूंगी, बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग पड़े हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करने हैं और इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइसलेस है, तो प्लीज आप कर देना प्लीज प्लीज। तो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे नेचर में है, आई एम नॉट बेगिंग और एनीथिंग, जस्ट मेरे नेचर में है कि जो भी चीज मांगो वो रिक्वेस्ट करके ही मांगो। एंड लाइक करना अगर आप लोगों को पसंद आया है तो, छोटा सा व्लॉग था, आप लोगों से थोड़ी चिट चैट हो जाती है, मन मेरा खुश हो जाता है, आई होप आप लोगों को भी मुझसे बातें करके अच्छा लगता होगा। एंड शेयर करना अगर आप लोगों को मेरा कोई भी वीडियो पसंद आता है, जरूरी नहीं है ये वाला, कोई भी वीडियो पसंद आता है जस्ट सोशल मीडिया पे आप शेयर कर दो, जिससे कि मेरे ज्यादातर व्यूअर्स भी आ जाएंगे मेरे पास और किसी को कुछ जानकारी भी मिल जाएगी क्योंकि कुबेर से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं जो मैं बनाती रहती हूँ। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, दैट इज इंडियन यूट्यूबर शिल्पी। आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मेरा इंस्टा हैंडल है इंडियन यूट्यूबर शिल्पी। बाय।